हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जिस तरह ये तासुर दिया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट से भागा जा रहा है, उसके बाद जीआईटी से भागा जा रहा है और उसके बाद नैब कोर्ट से भागा जा रहा है, वो कौन सी रॉन्ग डूइंग है जो दो दफ़ा चीफ मिनिस्टर और तीन दफ़ा वजीर आजम बनने के बावजूद कोई एक भी चीज़ करप्शन की साबित नहीं हुई। अदालतों से भागने का तासुर गलत करार, नवाज शरीफ को ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मरियम औरंगजेब बरस पड़ी, जितना दबाने की कोशिश होगी लोग उतना ही प्यार करेंगे। मुशाहिदुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, तहकीकात करने वालों को बाहर से साफ जवाब मिल गया, दानियाल अजीज भी बोले। पीपल्स पार्टी खुद पशेमान है ये सारी बातें करके, लेकिन जरदारी साहब जो है चुके, उन्होंने अपना एक कोई एजेंडा बनाया हुआ है, नामालूम एजेंडा, हिडन एजेंडा, उसके तहत काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी को उन्होंने काबू किया हुआ, किसी को बात ही नहीं करने लगे। जरदारी साहब नामालूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं, एहतसाब नहीं इंतकाम हो रहा है, जमहूरियत के पांव जमने नहीं दिए जा रहे, साद रफीक बरस पड़े। राजा जफर उल हक, परवेज रशीद, अमीर मकाम समेत सीनियर लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद, मतवालों के कयादत के हक में नारे, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए रवाना, पार्टी में इख्तिलाफात का एतराफ, कहते हैं बड़ी सतह के इख्तिलाफात का तासुर गलत है। हुकूमत हल्का बंदियों का तरमीमी बिल पास कराने के लिए सरगर्म, स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 11 बजे तलब कर लिया, उलझी गुत्थी सुलझाने के लिए 5 रुकनी हुकूमती राबता कमेटी भी कायम। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाके गहरी धुंध और स्मॉग के जेर असर, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम, ट्रेन भी घंटों ताखीर का शिकार, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन भी बंद, हादसात में दर्जनों गाड़ियां टकरा गईं, 4 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। सानेहा बल्दिया और 12 मई से मुतालिक अहम इंकशाफात, दुबई में गिरफ्तार हम्माद सिद्दीकी ने जबान खोल दी, जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जलालाबाद में पाकिस्तानी सिफारती अहलकार का कत्ल, अफगान नाजिमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज, पाकिस्तानी हुकाम ने एहतजाज अंतोरखम बॉर्डर बंद कर दिया, नेटो सप्लाई समेत पैदल आमदो रफ्त भी मुअत्तल। कराची पुलिस की एहसनाबाद में बड़ी कार्रवाई, कल अदम जमात दाइश से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा ममनुआ लिटरेचर और सीडीज बरामद। रेंजर्स की अंदरून सिंध कार्रवाई, बैनसूबाई कार लिफ्टर गिरोह का एक और मुलजिम गिरफ्तार, निशानदही पर मजीद 2 गाड़ियां बरामद। कंदील बलोच कत्ल केस, मुफ्ती अब्दुल कवी की आज फिर मुल्तान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी, पुलिस केस पर पेशअप से आगाह करेगी। अमेरिका ने करप्शन के खिलाफ सऊदी इकदामात की हिमायत कर दी, सऊदी अरब के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात कायम रखेंगे, पेंटागन का रद्द अमल। इस दौर का फन तामीर, पुराने कराची का नजारा, जमशेद क्वार्टर में अंग्रेज दौर की इमारत म्यूजियम में तब्दील, इमारत की अंदरूनी सजावट और फर्नीचर ने तारीख के झरोके खोल दिए।